सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो है आपका एडमिट कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर जो है सामने निकल कर आई है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर बता दूं आपको। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 8 जुलाई से प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में छात्र छात्राएं पुराने एडमिट कार्ड से ही परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन यदि छात्र दोबारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनको इसका विकल्प भी मिलेगा। सेमेस्टर परीक्षाओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय 5 जुलाई से एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय ट्रेडिशनल और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के कार्यक्रम पहले ही घोषित कर चुका है तथा संबंधित कार्यक्रम भी वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों के पास पुराने एडमिट कार्ड हैं वे भी प्रस्तावित परीक्षा में मान्य रहेंगे। ऐसे में एडमिट कार्ड को लेकर छात्र परेशान न हों। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आपके पास अगर पुराना एडमिट कार्ड है तो आप उसी एडमिट कार्ड से अपनी जो है परीक्षाएँ दे सकते हैं, चाहे वो आपका जो है कोई भी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ईयर के छात्र हों या सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर फाइनल ईयर कोई भी ईयर के छात्र हों, वो बिना एडमिट कार्ड के जो है पेपर दे सकते हैं। दोस्तों, यही खबर आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आई है। अगर आपको भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी से बड़ी अपडेट जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।